गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैनी साइंटिस्ट कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ पैटर्न दैट कोरिलेटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक मासेस। तो क्या हुआ, जब हमने लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि वो कहीं कहीं पे ही अप्लाई था और कहीं पे अप्लाई नहीं था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण उसे रिजेक्ट किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कई सारे साइंटिस्ट थे वो कंटिन्यू रिसर्च करते रहे, और पर वो जो कंटिन्यू जो रिसर्च कर रहे थे वो कर रहे थे उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमिट्री एवानोविच मेंडलीव, अ रशियन केमिस्ट। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, वेयर इन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, द एटोमिक मास एंड ऑल्सो द सिमिलैरिटीज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो मेन क्रेडिट है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो जाता है मेंडलीव के ऊपर, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है। तो उन्होंने क्या करा, जो भी ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल आज बना हुआ है उसके सबसे पहले जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करी थी, सबसे पहले मेंडलीव ने करी थी। वेयर इन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द बेस, और क्या करा, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करा उनकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि एटॉमिक मास और उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखकर। When Mendeleev starting his work, 63 elements were known. जब मेंडलीव ने काम करना शुरू किया उस टाइम 63 एलिमेंट्स नेचर मतलब जाने जाते थे। ही एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिलेशनशिप बताया एटॉमिक मासेस के बीच में और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो उन्होंने क्या करा, जो मेंडलीव थे उन्होंने मेन कंसंट्रेट करा कि जो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो उन्होंने इसके कंपाउंड बनाए और उन पर कंसंट्रेट करा। ही सेलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को सेलेक्ट करा, क्योंकि जो ये रिएक्टिव हैं और काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। तो जो फॉर्मूले थे हाइड्राइड्स के, ऑक्साइड्स के, जो बनते हैं एलिमेंट्स के साथ, वर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये सबसे मतलब इसको बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, कब, जब हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तब।